जब एक नगर निगम कर्मचारी के खिलाफ नौकरी दिलवाए जाने के बदले पैसे लेने के आरोप लगे तो उसने आरोप लगाने वालों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। काशीपुर के नगर निगम कर्मचारी जितेंद्र देवान तक ने काशीपुर कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नगर प्रशासन को झूठी एवं फर्जी शिकायत करके मानसिक तौर पर परेशान किए जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्टकर्ता नगर निगम में कार्यरत होने के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश सचिव भी है, जिनके खिलाफ महेशपुरा निवासी अंकित कुमार द्वारा 4 और 12 दिसंबर 2023 को जिलाधिकारी व नगर आयुक्त को झूठी शिकायत कर आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने एक नियुक्ति दिलाने के नाम पर मृतक कर्मचारियों के परिजनों से 3-3 लाख रुपए की अवैध वसूली की है। इस मामले में जितेंद्र देवान तक के साथ देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, महासचिव एवं सदस्यों ने थाना काशीपुर रिपोर्ट दर्ज कराई। देखिए, नगर निगम काशीपुर में हम सभी लोग देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि के तौर पर सफाई कर्मचारी के हितों के लिए कार्य करते हैं और जो भी कर्मचारियों की समस्याएं होती अधिकारियों से वार्ता कर उनका हम निपटारा करते हैं। उसके साथ साथ अपने कार्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हैं क्योंकि हम नगर निगम में एम्प्लॉई हैं। मगर कुछ अनावश्यक तत्व जो है हम लोगों को कर्मचारी हितों में कार्य करने नहीं देना चाहते या उनकी कुछ और मंशा हो सकती है हमें ब्लैकमेल करने की या कुछ और, इस मार्फत वो फर्जी नामों से फर्जी शिकायत करते हैं कि हम लोग धन उगाही कर रहे हैं। जब हम सही हैं तो इसलिए हम यहाँ थाने में भी आ गए FIR करने के लिए और माननीय कोतवाल साहब से हमने निवेदन किया है कि इसकी जांच की जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो फर्जी नामों से शिकायत कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है और हमें भी अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से हम लोगों को जान और माल, हमारे परिवार को जान माल की भी खतरा बना हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।